नमस्कार, नवोदय प्रेस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की यह एक और ताज़ा खबर। झांसी के हरेक घर की सुख शांति और समृद्धि की मनोकामना को लेकर झांसी विधायक रवि शर्मा ने आज समृद्धि यात्रा निकाली और प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया। आपको बता दें कि 250 साल से ज़्यादा प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में महाआरती के लिए मुरली मनोहर मंदिर बड़ा बाजार से महानगर धर्माचार्य हरिओम पाठक, बसंत गोलबलकर, ललन महाराज, मनोज स्थापक एवं अनेक धर्माचार्यों की अगुवाई में नगरवासियों को साथ लेकर बैंड बाजों, ठेलों पर सजी फल मिठाइयों के साथ शोभा यात्रा का धूमधाम से शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सम्मिलित लोगों द्वारा महालक्ष्मी के जयकारे लगाए गए। वहीं शोभा यात्रा पर नगरवासियों ने अपने घर की छतों से पुष्प वर्षा की। बताते चलें कि 250 साल पुराना महालक्ष्मी मंदिर देश का मुंबई और कोल्हापुर के बाद तीसरा प्राचीन और सिद्ध मंदिर है। शोभा यात्रा में बैंड बाजों और डीजे की धुनों पर उत्साही श्रद्धालु नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा के आगे आगे घोड़ों पर सवार चल रहे द्वारपाल आकर्षण का केंद्र थे। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते व्यवस्था प्रबंधन में पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करते हुए देखा गया। शोभा यात्रा मुरली मनोहर मंदिर से चलकर लक्ष्मी गेट होते हुए ठीक समय पर प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर पर पहुंची। इसके बाद विधायक रवि शर्मा एवं हजारों की संख्या में उपस्थित लोगों ने महालक्ष्मी देवी के जयघोष के साथ महाआरती में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिससे मंदिर के प्रांगण में हजारों दीप प्रज्वलित कर दीपांजलि दी गई। इस अवसर पर मंदिर में आयोजित भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महाआरती के दौरान महापौर रामतीर्थ सिंघल, महेश अग्रवाल रेमंड, मुकेश मिश्रा, ओम शांति नगर, अभिषेक भार्गव, बाबा चौहान, सीए उज्जवल मोदी, अजय गोयल, विकल्प जैन, विधायक प्रतिनिधि पंडित दिलीप पांडे, सभासद श्रीमती सुशीला गोकुल दुबे, अमन राय, मुकेश बंटी, सोनी, भरत सेन, अनूप सहगल, अनिल सोनी, स्वराज स्वामी, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित सिंह जादौन, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम और भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से मुश्ताक अली के साथ प्रदीप की रिपोर्ट। झांसी नगर की लगभग 300 वर्ष पुराना ये प्राचीन मंदिर, जिसे हम लोग लक्ष्मी मंदिर के रूप से शहर के कम लोग जानते थे, इस ही मंदिर के नाम पर लक्ष्मी तालाब है, इस ही मंदिर के नाम पर लक्ष्मी गेट है, लेकिन देखने में ये आता था कि शहर की 7-8 लाख की आबादी में कुल 5% लोग इस मंदिर में आते थे। चूँकि ये मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना और ASI के अधीन है, पुरातत्व के अधीन है ये मंदिर, तो यहाँ पर लोगों का आना जाना कम होता था। ये भारत का तीसरा लक्ष्मी मंदिर है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इतने पुरातन मंदिर में जहाँ एक और हम लोग दीपावली के उत्सव पर घरों में दीपोत्सव करके भगवान राम जी के आगमन की बधाई लोगों को देते हैं, वहीं दूसरी ओर अपने घर में लक्ष्मी जी की पूजा करके लक्ष्मी जी के भी आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन झांसी में इस मंदिर तक लोगों का ना आना, मुझे लगता था कि ऐसी ऐतिहासिक धरोहर, ऐसा प्रतिष्ठित मंदिर जो स्वयं में सिद्ध हो, जहाँ पर आने पर आप व्यक्ति की पूरी मनोकामनाएँ पूरी होती हों, इस मंदिर तक लेकिन झांसी के लोगों का कम आना जाना था। हमारे नातेदार रिश्तेदार जब झांसी से आते थे तब भी हम उन्हें लेके इस मंदिर पर नहीं आते थे। लोगों की जानकारी में वृद्धि हो और इस मंदिर पर महालक्ष्मी जी के लोग आना शुरू करें। हमने झांसी की समृद्धि के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, ऐश्वर्य के लिए आज पूरे झांसी की ओर से महालक्ष्मी को एक पोशाक समर्पित की है। उस पोशाक में पूरे झांसी का जनमानस उमड़ घुमड़ करके उस यात्रा में शामिल हुआ। मैं संपूर्ण झांसी में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य की कामना के साथ माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि सबके घर में शांति हो, लक्ष्मी जी की कृपा हो
जिससे कि शहर में रहने वाला हर व्यक्ति समृद्ध हो। ये झांसी की समृद्धि की यात्रा जो इसे नाम दिया गया था, उसका नाम जैसा नाम दिया था वैसा ही नाम सफल हो, ऐसी कामना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।